देखो इस तरह थर्ड लेयर दी बारे थर्ड वेव जिहड़ी आनी हैगी आ उहनूं असीं रोक सकते हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये लोगों ने करना वा, असीं केयर करनी हैगी आ भी असीं इह ना सोचिए भी खत्म हो गया वा। जे असीं तीन सिंपल गल्लां जिहड़ियां वा, मैं तां बड़ा परेशान हुंदा कई वार, जिन्हां दी कॉस्ट भी कुछ नहीं, आपां अपनी जान ते खेल जांदे आ, उह ना मन के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इकट्ठे ना होवो ते हाथ धो किसी भी चीज़ को, ये तीन चीज़ा जो असी कर लीए। मैं तुहाडे माध्यम होर बोल दे माध्यम में मैं लोगों ने कहना चाहूँगा, एक गल मेरी मान लो, घरों बाहर ना निकलो जेकर बहुत जरूरी नहीं है। जिन्ना असी रश घटावे सड़कों के उत्ते बाज़ारों के रेस्टोरेंट्स के जिन्ना घट जावे उन्ना ही ये आने के चांसिस घटेंगे। ये आप नहीं आनी थर्ड वेव, असी उन्हें न्योता दे के बुलाना है वा, तो जे असी चाहते हैं तो एक बार हस्पताल डॉक्टर पूछो जिन्होंने ट्रीट किया वा, किन्ने सिख लोग तड़फते सके सह ले ऑक्सीजन लिए तड़फते सके। असी अपने हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लांट लगा लिया ताकि परमात्मा ना करे थर्ड वेव आए, जे आए तो असी ऑक्सीजन करके किसी को पेशेंट को लैन तो ना ना कर सकी। मैं फिर दोबारा तो सारे ये बेनती करा कि तीन सिंपल गल्ल, नंबर एक मास्क, नंबर दो सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर तीन सैनिटाइजिंग। इस तो अलावा जिहड़ी चीज़ सानू इहदे ज़्यादा माड़े इफेक्ट तो बचा सकती वैक्सीनेशन। सरकार ने हुण फ्री वैक्सीनेशन कर दी है, मैं सब नूं कहूँगा अपना प्लैन करके सब लोग अपनियां दो डोज वैक्सीन दियां लगवा लो। जे ये लगवा लईआं तो जे थर्ड वेव आएगी भी हो सकता इन्फेक्शन इदां रहेगी पता ही ना लगे, हो सकता इन्नी इन्फेक्शन थोड़ी जी हो नज़ला जुकाम बुखार होया वो ठीक हो जाए। बट ये गल देखी गई है जिते जिते वैक्सीन लगी हैगी है उन्होंने लोगों को सीरीयस बीमारी नहीं होगी। बचो, ये बहुत बड़ी आपदा हैगी है और बचना अपने हाथ है।